322 की इंडिया लीड लेके आ रहा है, 322 की इंडिया ने लीड ले ली है। उन्होंने ये करके ना, ये वाला काम करके, ये डंडा पकड़ा के ना, ये डंडा दिखाया इतना, इंडिया ने दिखाया इतना डंडा, इतना सा दिखाया, इतना सा सिर्फ इतना सा। और जब उन्होंने ये लेने पे वो राजी हो गए हैं, और उन्होंने फिर नीचे वाला हिस्सा भी दिखा दिया। और भारत ने एक तरीके से आप कह दे के 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रहा है, ये भी नहीं है कि वो पूरी टीम के साथ खेल रहे हैं, वो 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हैं। उनकी बैटिंग के अंदर अश्विन की कमी है, लेकिन फिर भी जिस किस्म की उनकी बैटिंग चल रही है, ऐसा लग रहा है कि वो तो बोल मारेंगे। आते ही बैट स्ट्रोक जाएगा, थॉम्स उसके पीछे जाएगा, मिक्स विकेट आएंगी, सिराज विकेट लेगा, जडेजा विकेट लेगा, और बताएं और क्या बच्चे की जान लेंगे। और टीम इंडिया से क्या मांगते हैं, और क्या मांगते हैं, क्या करें। अश्विन नहीं है, बोला रात को कि ये टीम अश्विन के लिए करेगी, ये टीम करके दिखाएगी। इस तरह हैदराबाद में लगा 80, अगले मैच वाइजक पे लगा 200, आज के मैच राजकोट पे लगा एक और 100। ये जो आपको प्रोग्रेशन नजर आ रही है ना, इनिंग्स बाय इनिंग्स, कंडीशंस बाय कंडीशंस, बॉलर्स बाय बॉलर्स, सिचुएशन बाय सिचुएशन, हाउ ही इज शिफ्टिंग हिज गेम, हिज टेक्निक, हिज मेथड टू अटैक, हिज मेथड टू डिफेंस, दैट हैज बीन द मोस्ट एस्टोनिशिंग पार्ट ऑफ हिज क्रिकेट सो फार। जो इंग्लैंड के बैस बॉल के जवाब में इंडिया ने अपना जैस बॉल जो इंट्रोड्यूस करवाया, और उसने मार मार के इंग्लैंड के बॉलर्स की उल्ली निकाल दी है। मैं बात कर रहा हूँ जैस बॉल के हवाले से, क्या कमाल का जो है इंडिया को ये टैलेंट मिला है भाई, और हर मैच में ये बंदा अपनी छाप जो है छोड़ते हुए जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड को उनकी दवाई का ही स्वाद चखा दिया। मतलब कि यशस्वी जायसवाल ने एक सेशन में 150 रन इंडिया ने बना दिया 5 की 100 से। एक सेशन में यशस्वी जायसवाल का हमें सिंख लगा, दूसरा शतक देखने को मिला, पहले भी 200 यशस्वी जायसवाल ने लगा दिया था, आज भी 110 की पारी पर रिटायर्ड होकर चला गया। लेकिन जिस तरीके के इंग्लैंड के बॉलरों के यशस्वी जायसवाल ने मतलब क्या धागे खोले, क्या शॉट मारे, लीवर शॉट जो भी बोले, मतलब कि छक्के भी 5 छक्के मारे। मतलब कि आप देख सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में 5 छक्के यशस्वी जायसवाल ने मार दिए इस पहले मैच में, और क्या ही शानदार किस्म के यशस्वी जायसवाल ने इनिंग खेली। और मतलब उससे पहले बॉलिंग में भी इंडिया ने क्या ही शानदार किस्म का कमबैक किया, जिसमें इंग्लैंड की पूरी टीम 224 रनों के 2 विकेटें थी, और उसके बाद 319 रनों पे पूरी इंग्लैंड की टीम को ढेर कर दिया, ऑल आउट कर दिया। इसका सारा श्रेय जाता है मोहम्मद सिराज को, जिन्होंने 4 विकेट ली, उसके बाद कुलदीप यादव ने 3 विकेट ली और 1 विकेट ली, जो कि रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट ली, बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण बेन स्टॉक कप्तान के लिए। इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने क्या रिएक्शन दिया देखने के लिए चलिए शुरू करते हैं मजेदार वीडियो। अ ब्रिलियंट डे फॉर एंटायर टीम इंडिया, बट आज जिस तरह इंडिया 322 पे अगर आप देख रहे हैं ये पहुंचा हुआ है कंफर्टेबल पोजीशन पे, इट हैज टू डू विद द इनिंग्स ऑफ यशस्वी जायसवाल। व्हाट अ फाइन बैटर ही हैज बीन फॉर टीम इंडिया एवर सिंस ही हैज मेड हिज डेब्यू इन वेस्ट इंडीज इन रेड बॉल क्रिकेट। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि कुछ लोग होते हैं हेयर टू स्टे, दिस बॉय इज हेयर टू रूल। इस पूरी अगर आप सीरीज में प्रोग्रेशन देखें जायसवाल की, फेलियर्स भी आए हैं, माइंड बॉगलिंग डिसमिसल भी आया है, लेकिन जिस तरह हैदराबाद में लगा 80, अगले मैच वाइजक पे लगा 200, आज के मैच राजकोट पे लगा एक और 100, जिसके ऊपर वो रिटायर्ड हट होके गया, ही कैन स्टिल बैट, जिस तरह मैंने भी बोला। ये जो आपको प्रोग्रेशन नजर आ रही है ना, इनिंग्स बाय इनिंग्स, कंडीशंस बाय कंडीशंस, बॉलर्स बाय बॉलर्स, सिचुएशन बाय सिचुएशन, हाउ ही इज शिफ्टिंग हिज गेम, हिज टेक्निक, हिज मेथड टू अटैक, हिज मेथड टू डिफेंस, दैट हैज बीन द मोस्ट एस्टोनिशिंग पार्ट ऑफ हिज क्रिकेट सो फार, जो कि इस पूरी सीरीज में खेली गई है। सबसे ज्यादा कमाल की बात ये है 6 इनिंग्स के अंदर, कि 6 इनिंग्स के अंदर मुख्तलिफ कंडीशंस आई हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस आई हैं, मुख्तलिफ किस्म का अटैक आया है, लेकिन आपने हर दफा अपनी गेम को इस बेहतरीन तरीके से शिफ्ट किया है सिचुएशन के मुताबिक, कि वो आपको इस बात पे यज्जा करता है कि आप तारीफ के हकदार हो। नंबर वन, इंग्लैंड के बैस बॉल के जवाब में इंडिया ने अपना जैस बॉल जो इंट्रोड्यूस करवाया, और उसने मार मार के इंग्लैंड के बॉलर्स की उल्ली निकाल दी है। मैं बात कर रहा हूं जैस बॉल के हवाले से, क्या कमाल का जो है इंडिया को ये टैलेंट मिला है भाई, और हर मैच में ये बंदा अपनी छाप जो है छोड़ते हुए जा रहा है। आप देखें इसी सीरीज में 200 भी बना लिया, और आज अगर देखा जाए अभी दूसरे दिन का खेल खत्म होने में तकरीबन 10 ओवर्स बाकी हैं, और जायसवाल 123 बॉलों पे 101 रन्स बनाने के बाद क्रीज पे मौजूद है, 9 चौके 5 छक्के। बैस बॉल क्या होती है भाई, वो इंग्लैंड को जायसवाल ने बता दिया है। आज 70 बॉलों पे 34 पे बंदा बैटिंग कर रहा था, और अभी आप देखें 123 बॉलों पे 101 रन्स,
40 रन के बाद ऐसा अटैक किया ना इसने कि इंग्लैंड के बॉलर्स पागल होते हुए नजर आए। ऐसा लगा कि बिल्कुल उन्हें समझ ही नहीं आ रही है कि जयसवाल के सामने हम बॉलिंग कैसे करें, चाहे वो जो है वो एंडरसन हो, चाहे वो आर्टली हो, चाहे रेहान हो, जो मर्जी सामने आया जयसवाल ने उसको घुमा के मारा है। इतना से एक्सपोज हो जाओगे, क्या शानदार किस्म की इंडिया ने बॉलिंग की, किसी को तो लग ही नहीं रहा था कि ऐसे हो सकता है। 207 हर किसी को लग रहा था कम से कम 400 तो कट जाएगा इंग्लैंड, रोड होके भी 400 कट जाएगा, लेकिन आपके सामने फिर से इंडिया के पास 100 से ज्यादा रन की लीड हो गई है, 100 से ज्यादा रन की लीड हो चुकी हुई है इंडिया के पास, और अभी भी रोहित शर्मा और जयसवाल खेल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बेस बॉल बैडली एक्सपोज हुआ है, बेस बॉल पूरी तरह से फारिग हो चुका हुआ है। यही अगर बेस बॉल पाकिस्तान के अंदर होता तो हमने 500 आराम से करवा देने थे, हमने तो एक दिन के अंदर रिकॉर्ड बनवाया हुआ ना 535 या 565 रन खाने का, तो वो तो हमने करवा देना था। तो बात करते हैं पूरे तीसरे दिन की, जिसमें शुरुआत की इंग्लैंड के बैट्समैनों ने, जिसमें बेन डकेट जो कि 100 रनों के पार खेल रहे थे, उसके बाद जो रूट जो कि उनके साथ खेल रहे थे, और शुरुआत में जो सुबह मतलब कि जो प्रेशर बनाया जसप्रीत बुमराह ने और दूसरी तरफ जो कुलदीप यादव ने, दोनों ने मतलब कि इतना प्रेशर बनाया कि उस प्रेशर में ही इंग्लैंड की पूरी बैटिंग बिखर कर रख गई, और उसके बाद तो आपको पता है कि एक के बाद विकेट गिरती चली गई, और जो 299 रनों पर इंग्लैंड के 2 विकेट चली गई, जिसमें पहली विकेट बेन स्टोक्स की चली गई, जिसमें रविंद्र जाडेजा ने उनको बॉल डाला और वो बड़ा शॉट लगाने के लिए गए, लेकिन मिसजज हो गया, जसप्रीत बुमराह ने उनका कैच ले लिया, और उसके बाद ही बेन फॉक्स भी आउट हो गए मोहम्मद सिराज की गेंद पर, और मतलब कि क्या ही शानदार बॉलिंग में हमने कमबैक किया। 223 रनों पर इंग्लैंड की 2 विकेट थी, उसके बाद 319 रनों पर पूरी इंग्लैंड की टीम को हमने ढेर कर दिया, और उसके बाद तो यशस्वी जयसवाल का बेसबॉल शो हमें देखने को मिला। जिस तरीके की यशस्वी जयसवाल ने बैटिंग की, मतलब कि पूरी इंग्लैंड की टीम के बॉलरों के और पूरी टीम की मतलब कि यार कंधे गिर गए थे, इस तरीके की यशस्वी जयसवाल ने बैटिंग की, और इंडिया बहुत ज़्यादा अपर पोजिशन पर है। तो बस मैं वीडियो को यहीं पर करता हूँ खत्म, मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।